हेलो एवरीवन, सो आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। बहुत दिनों के बाद आज फिर हम लोगों ने एक ब्लॉग के लिए रेडी किया सब कुछ। तो आज हम लोग आए थे एक नया ब्लॉग बनाने कहीं अलग जगह पे, मगर बारिश की वजह से हम लोगों ने अपने प्लान को चेंज कर दिया। तो एक फ्रेंड से सुना था यहाँ नज़दीकी में एक बहुत अच्छा ढाबा खुला है, चलते हैं बाइकर्स और वहाँ का खाना खा के देखते हैं, फिर आप लोगों को रिव्यू बताएंगे। बने रहिए मेरे संग, थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाइकर। तो फिलहाल गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, मगर यहाँ पे गैदरिंग नहीं है, दिन का वक्त है ना, शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आप भी आइए बाइकर्स रेस्टोरेंट में, एक बाइक रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। हमको भी मॉडिफाई कराना होगा ये बाइक, शायद बोल रहा है कि मेरा बुलेट को ऐसे ही मॉडिफाई देंगे, तो इसका हम लोग फोटो लेकर जाएंगे और देखते हैं मॉडिफाई होता है कि नहीं। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कैमरामैन चार नवाब को देख सकते हैं, कैमरामैन चार नवाब को। तो गाइस जायद ने अपना ऑर्डर दे दिया और मैंने ऑर्डर दिया है मॉन्स्टर। सो गाइस फाइनली हम लोग अंदर बैठ के हैं और यहाँ का रिव्यू आप लोगों को आज देंगे। हम लोग क्या है, अभी हम लोगों ने कुका ऑर्डर किया है और चिल करने के लिए रेडबुल था नहीं यहाँ पे, तो मॉन्स्टर पी रहे हैं। रेडबुल की शॉर्टेज पड़ी हुई है तो मॉन्स्टर पी रहे हम लोग, और आगे देखते हैं फिर क्या है, खावा के आप लोगों को रिव्यू देते हैं। हमका कैसा बन रहा है वो भी बताएंगे आप लोगों को। जो राइडर है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जगह ही है, अगर कहीं दूर से आ रहे हैं वो लोग थक के तो यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं वो लोग, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि चारों तरफ खुला हुआ है, कुछ बाउंडेशन नहीं है, कुछ मतलब पार्टीशन नहीं है, खुला हुआ है और बड़ी बड़ी कंफर्ट सीट है, आराम से आप लोग बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हैं। चाय भी मिलता है यहाँ पे, आप चाय भी पी सकते हैं, काफ़ी सारे फूड्स है खाने के लिए। भाई थोड़ा अपना मेन्यू बुक देना यार, मगर आप लोग जानते हो ये चाय पीने वाला है नहीं। और एक बात कि दिन की वजह से यहाँ धूप था, थोड़ा देर पहले बारिश हुई थी, इसके वजह से यहाँ पे कोई नहीं आया, तो शाम में बहुत ज्यादा गैदरिंग रहता है। आप लोग यहाँ पे आए, वाओ यहाँ पे आपको एंजॉय करें, सूप और मतलब स्नैक्स में सब कुछ मिल रहा है और काफी अच्छा प्राइस भी है, मतलब नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई रेंज का कुछ है, नॉर्मल लोग आके यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। बर्गर्स मिल जाएंगे आपको, सब कुछ अवेलेबल है, इवन पिज्ज़ा तक, तो आप लोग आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। फूड तो हो गया, बेवरेज भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, बेवरेज में भी सब कुछ अवेलेबल है, कॉफ़ी मिल जाएगा, हॉट कॉफ़ी, ठीक है, आइसक्रीम मिल रहा है, तो लगभग इनका मेन्यू बहुत अच्छा है। आप लोग आइए एक बार यहाँ पे एंजॉय करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी हम लोग हुक्का पीते हैं, फिर बने रहिए वीडियो में, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तब तक ये ख़त्म कर दो, उसके बाद आपसे मिलते हैं, बाय। मेरा ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग। सब जानता है ये फिल्टर है, बोलते देखते कर रहा। अब उके का थोड़ा फ्लेवर मिल रहा है मेरे को, बैठे और यहाँ का रिव्यू लिया।
क्राउड तो इतने टाइम में दोपहर में आप लोगों को पता है कि क्राउड होती नहीं है, मगर अच्छा लगा। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने यंगर फ्रेंड्स के संग आते हैं ना तो बहुत चिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं है, ज़्यादा फैमिलीज यहाँ नहीं आती है, तो आप लोग आराम से यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो। और हुक्का भी मिल रहा है, बेवरेज में आपको एनर्जी ड्रिंक्स और मॉकटेल ये सब भी मिल जाएगा, खाने को फूड्स भी है। इवनिंग के टाइम में आइए और बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी हम लोग यहाँ अमिताभ दास से मिले, तो इनसे भी मिल के बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का एक अपना ग्रुप है, ये देखिए अमिताभ दास, वो निंजा वाला निंजा वो लेकर आए हैं अपना, दिखाते हैं हम लोग आप लोगों को उनकी गाड़ी दिखलाएंगे और गाड़ी के बारे में कुछ आपको एक्सपीरियंस भी देंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग यहाँ आए, खाया पिया, बहुत मज़ा आया। आप आइए, यहाँ के खाने में भी अच्छा टेस्ट है, और सबसे गजब हमको यहाँ का चाय लगा। चाय पी के ना जैसे मानो फ्रेश हो गया मैं, ठीक है। और हुक्का का टेस्ट तो वाकई में बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था हुक्का में। तो आप लोग आइए एक बार इंजॉय करिएगा। ये है लड़का, इधर आओ भाई जी। इसने हुक्का बना के दिया हम लोगों को, थैंक्स भाई, हुक्का बहुत अच्छा था। और हम लोगों के संग अगर कोई आता है चैनल के थ्रू तो आप उसको हुक्का प्लीज़ बहुत अच्छा बना के जैसे हम लोगों को दिया था वैसे हुक्का देना, ठीक है। आइए मैं आपको यहाँ का सेक्शन दिखलाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे बैठने का जगह है, आप जा नहीं सकते हो, दोपहर का टाइम है तो थोड़ा खाली तो मिलेगा। आप इवनिंग में आइए और अपने फ्रेंड्स के संग आइए, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग आके यहाँ पे। देखिए ये पूरा सेक्शन बैठने का है, यहाँ पे आप आराम से कंफर्ट चार फ्रेंड एक चेयर पे आराम से बैठ के एक टेबल पे आप लोग बैठ सकते हो। और अगर फोटो क्लिक करना है आपको, बाइक पसंद है तो ये बाइक देखिए, किलर लुक है। इन फ्यूचर ये गाड़ी मेरे पास भी होगी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा ये गाड़ी लेने के लिए। और आइए आपको इधर का दिखलाता हूँ कुछ। ये है हुक्का का सेक्शन, यहाँ हुक्का बना के देते हैं आप लोगों को, देखिए। और सेल्फी आप लोग यहाँ ले सकते हैं, अगर आपको कंफर्ट चाहिए बैठने के लिए गाइस, तो ये देखिए बहुत अच्छा कुशन लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बैठ के आप लोग आराम से चिल कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा बैठने में। हाँ, यहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। बगल में हाईवे मिल जाएगा, इसके पीछे आपको पूरा ग्रीनेस मिलेगा, स्मोक भी कर सकते हो आप, यहाँ भी स्मोक कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप पीछे जाके वहाँ स्मोक कर सकते हो। लगभग ये बहुत अच्छा जगह है एंजॉय करने के लिए और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ये बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का, यहाँ भी मतलब चेयर वेयर लगा है, आप यहाँ भी इवनिंग में या नाइट में यहाँ भी आप बैठ सकते हो, बैठ के यहाँ आराम से आप अपना खा पी सकते हो, मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा हवा चलता है यहाँ पे, क्योंकि आप समझ सकते हो हाईवे बगल में है। सो गाइस हम लोग यहाँ आज अमिताभ दास से मिले बहुत दिन के बाद, और बहुत अच्छा लगा। दादा अपना निंदा लेके आया, आज आया मुझसे घर पे, है दादा? तो दादा निंदा लेके आया, बताइए दादा गाड़ी के बारे में कुछ अपना, क्या कितना सीसी का है ये? 1000 सीसी है। 1000 सीसी कितना ये उसका है, बीएचपी का है ये? बीएचपी का 200 का। और इसका लास्ट स्पीड क्या जाता है? लास्ट स्पीड तो इलेक्ट्रॉनिकली लॉक है 299 पर। 299 मेरा हो रहा है 230 का। और लॉन्ग टूर इससे कहाँ तक का गया आपने? यहाँ से मैं पूरी तक गया था। पूरी तक। दादा एक बार इसका साउंड सुनाइए हम लोगों को, जस्ट लिसन द साउंड। गाइस साउंड सुनना, ये निंजा 1000 से स्लो था कलेक्टर के बाद। स्पोर्ट बाइक का बात ही अलग होता है, आपको पता होगा। तो इस गाड़ी में बहुत खासियत है गाइस, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस और ये सब प्लस केयर करना, मेंटेनेंस से ज़्यादा गाड़ी का केयर करना होता है, ठीक है ना। सब बंदे का काम नहीं है कि गाड़ी को हैंडल कर ले, इतना आराम से कैरी कर ले। बहुत सारे बंदे हैं जो गाड़ी लेके गिर जाते हैं, तो इसके लिए टांगों में जोर भी होना चाहिए, दादा के जैसा मस्कुलर बॉडी होना चाहिए। बने रहिए वीडियो में, एक बार मैं गाड़ी पे बैठ के आपको दिखलाता हूँ कैसा फीलिंग है। फिलहाल दादा से बात हुआ है, बहुत जल्दी दादा भी ब्लॉग में आने वाले हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि दादा ने खुद बोला है कि इनके भी टीम है 6-7 बंदा, इनका भी बहुत अच्छा अच्छा बाइक इन लोग का पास भी है, तो बहुत जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा इस गाड़ी पे मैं बैठ के कैसा लग रहा हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसी एक गाड़ी मेरे पास भी होगी स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत दिन से मैं अभी जिद पे हूँ, एक स्पोर्ट्स चाहिए मेरे को और लूँगा
वाकई में गाइस इस गाड़ी का कंफर्ट एक अलग ही कंफर्ट है और अलग ही मजा है बैठने का। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल कमेंट कर दीजिएगा कैसा लग रहा है ठीक है। और ऊपर वाले से दुआ करिए कि मेरे पास भी बहुत जल्दी एक ऐसा गाड़ी हो, आई होप कि होगा। आप लोग अगर दुआ संग में हो तो ऐसी गाड़ी मैं भी ले सकता हूँ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और गाड़ी का तो बात। थैंक यू दादा, थैंक यू, वेलकम। और एक बात और कि बहुत जल्दी दादा के ग्रुप से मिलने वाला हूँ और आप लोगों को कम से कम 15 से 20 स्पोर्ट बाइक दिखलाऊंगा और सबका रिव्यू दूंगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को 1000 निंजा 1000 सीसी का निंजा दिखलाया, अब आपको दिखलाता हूँ फैट बॉय। ये देखिए, ये फैट बॉय गाड़ी है, काफ़ी किलर लुक है गाड़ी। देखिए आप जूमिंग करो थोड़ा सामने ना, जो गाड़ी का ये स्टील मैट फिनिशिंग और स्टील में दिया है, लुक देखिए गाड़ी का। ये गाड़ी भी अपने आप में एक क्रूज़र बाइक, अलग ही मज़ा है इस गाड़ी का। तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही अलग, जो क्रूज़र पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अलग गाड़ी है ये, बहुत मज़ा है और काफ़ी कम्फर्ट है लॉन्ग जर्नी के लिए। इस साइड में साइलेंसर दिख रहा हूँ गाड़ी का, जस्ट लुक एट द व्हील एंड साइलेंसर। काफ़ी एक अलग फिनिशिंग है गाड़ी में गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। तो चलाने में सोचो कितना मज़ा आएगा गाड़ी को। तो आज हम लोगों ने आपको दो दो स्पोर्ट बाइक दिखलाया, अलग ही लुक है गाड़ी का। और उसके बाद जो ये गाड़ी है तो ये तो बहुत हार्ड है, इसका बात ही नहीं। बना है क्लासिक 350 से, तो इसको भी बहुत किलर लुक दिया दादा ने, बहुत अच्छा बनाया है। इसका खर्चा क्या पड़ रहा? इसका मॉडिफाइड कराने में इसका खर्च दादा से मैंने पूछा, आई डोंट नो, दादा से पूछा 4.5 लाख रुपया इसको मॉडिफाइड कराने में गैस खर्च हुआ है। और आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक क्या है गाड़ी का, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। चलते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ आए और काफ़ी इन्जॉय किया, और जैसा कि आप लोगों को मैंने निंजा 1000 cc दिखलाया और एक फैट बॉय दिखलाया क्रूज बाइक, तो बहुत मज़ा आया गाइज देख के। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा वो सिर्फ स्पोर्ट बाइक पे होगा, एक ग्रुप है तो उन लोगों के पास कम से कम 15-16 स्पोर्ट बाइक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बनाएंगे उस पर हायाबूसा, निंजा, बहुत सारी BMW, बहुत सारी स्पोर्ट बाइक होंगे। आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का बहुत जल्दी आ रहा है। और जो लोग बाइकर में आना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के थ्रू अगर आते हैं तो उनको मैं एक रेफ़र कोड दूंगा। इफ़ यू यूज़ माय रेफ़र कोड यू विल गेट वेरी बिग डिस्काउंट। एंड आप लोग आइए यहाँ पे, आके मेरा नाम लीजिए, रेफ़र कोड दीजिए, दादा आपको बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऑनर से बात किया है, बहुत ही अच्छे ऑनर हैं यहाँ के ऋषभ दा, बहुत पोलाइट बात करते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग आइए, डिस्काउंट का मज़ा लीजिए। और रेफ़र कोड अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर एड्रेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस लिखा हुआ है, आइए और कमेंट करिए, आपको मैं रेफर कोड दूंगा। चलिए बाय, तब तक के।